राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन का इंतजार खत्म हो गया है। देश की 14वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 12 अप्रैल को जयपुर जंक्शन से दौड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से ट्रेन को वर्चुअल रूप से हरी झंडी दिखाएंगे। पहले दिन ट्रेन जयपुर से नई दिल्ली का सफर तय करेगी। वंदे भारत ट्रेन में सिर्फ आमंत्रित सदस्य ही जयपुर से नई दिल्ली जाएंगे। 14वीं वंदे भारत एक्सप्रेस राजस्थान की वंदे भारत ट्रेन का इंतजार हुआ खत्म। 12 अप्रैल से ट्रैक पर वंदे भारत ट्रेन। जयपुर से नई दिल्ली के सफर का समय होगा कम। 100% स्वदेशी तकनीक से बनी है ट्रेन। पूरी तरह से एसी ट्रेन में है आरामदायक सीटें, ऑटोमेटिक दरवाजे, जीपीएस सिस्टम और वाईफाई सहित है कई जरूरी सुविधाएं। राजस्थान के लोगों के लिए बुधवार का दिन खुशखबरी वाला होगा। इस दिन राज्य की पहली सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन का इंतजार खत्म हो गया है। दिल्ली, जयपुर, अजमेर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 12 अप्रैल को दोपहर 12:30 बजे ट्रैक पर रफ्तार में दौड़ेगी। उद्घाटन के मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ सभी प्रमुख मंत्री, सांसद और विधायक जयपुर में रहेंगे और वंदे भारत ट्रेन में सिर्फ आमंत्रित सदस्य ही जयपुर से नई दिल्ली जाएंगे। पहले दिन जयपुर से दिल्ली तक वंदे भारत ट्रेन उद्घाटन स्पेशल बनकर चलेगी। इसमें रेलवे की ओर से विशेष आमंत्रित लोग ही यात्रा का आनंद लेंगे। इनमें जनप्रतिनिधि, रेलवे अधिकारी, रेलवे स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, मिलिट्री स्कूल के स्टूडेंट शामिल हैं। फिलहाल ट्रेन का कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है, लेकिन अभी तक के तय कार्यक्रम के मुताबिक ट्रेन जयपुर स्टेशन से रवाना होकर गांधीनगर, दौसा, बांदीकुई, अलवर, रेवाड़ी, गुरुग्राम होते हुए दिल्ली जाएगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण की माने तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के संचालन की तैयारियां पूरी हैं। इसका ट्रायल रन पूरा हो गया है। कैप्टन शशि किरण ने बताया कि ट्रेन से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। दिल्ली से जयपुर के बीच का सफर भी कम समय में पूरा हो सकेगा। इस ट्रेन की खासियत यह है कि यह पूरी तरह से 100% स्वदेशी तकनीक से बनी है। पूरी तरह से इस ट्रेन में आरामदायक सीटें, ऑटोमेटिक दरवाजे, जीपीएस सिस्टम और वाईफाई आदि सुविधाएं मौजूद है। पहली वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन, वर्चुअल उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिनांक 12 अप्रैल को किया जाएगा। यह ट्रेन सेवा जो है रेगुलर रूप से 13 तारीख से संचालित होगी और यह अजमेर से नई दिल्ली के बीच में संचालित की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअल इसका उद्घाटन करेंगे और माननीय रेल मंत्री जी जो है यहाँ जयपुर से उपस्थित होंगे। इस जो वंदे भारत ट्रेन है ये स्वदेशी तकनीक से बनाई हुई इंटीरियर कोच फैक्ट्री चेन्नई की पहली ऐसी रेक है जो कि हाई राइज ओएची से युक्त है। चूंकि हमारे इस अजमेर से नई दिल्ली के रूट में कुछ ओएची जो ओवरहेड इलेक्ट्रिकल वायर है इसमें ओवरहेड की हाइट ज्यादा है, इसी कारण से ये नई डिजाइन से वंदे भारत को डिजाइन किया गया है। रेलवे ने ट्रेनों के आधुनिकीकरण की दिशा में पिछले 7 से 8 सालों में कई कदम उठाए हैं और आगामी 3-4 वर्षों में हम वंदे भारत तकनीक का निर्यात करने में सक्षम होंगे। इससे देश में रेलवे तरक्की करता दिखाई देगा। लंबे समय के बाद राजस्थान वासियों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। 12 अप्रैल को वंदे भारत एक्सप्रेस जो अजमेर से चलकर दिल्ली कैंट पहुंचेगी उसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे हरी झंडी दिखाकर करेंगे। इसमें बात करें तो जयपुर जंक्शन पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव समेत तमाम नेता और सांसद मौजूद रहेंगे और आने वाले दिनों में यानी 13 अप्रैल से ट्रेन का प्रतिदिन संचालन शुरू हो जाएगा। लेकिन मेंटेनेंस के चलते बुधवार को ट्रेन का संचालन नहीं होगा। अगर बात करें तो अजमेर से सुबह 6:20 पर यह ट्रेन चलेगी और वहीं दिल्ली कैंट से 6:40 पर चलेगी। बहरहाल आने वाले दिनों में देखना होगा कि रेलवे राजस्थान को नई वंदे भारत ट्रेन की सौगात कब देता है, लेकिन इस ट्रेन के चलने से कहीं ना कहीं जयपुर, दिल्ली, अजमेर, गुड़गांव और अलवर यात्रा करने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। कैमरा पर्सन दिलीप परमार के साथ ऋषभ पांडे, एवन न्यूज, जयपुर।